प्यारे शाहरुख खान जी, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। यह मेरी 2.5 साल की बेटी वैदेही। बहुत सवाल पूछती है, उल्टे मुझे कहानियां सुनाने लगी है। उसके पापा गए एयरपोर्ट क्यों हुआ? आज वैदेही और मैं साथ साथ घूमने गए थे। उसे दुनिया के अलग अलग चेहरों से रूबरू कराना अच्छा लगता है मुझे। हम बैठे थे कि पीछे कहीं एक गाना बजने लगा। फिर मैंने वैदेही को एक कहानी सुनाई, एक परी कथा, एक फेरी टेल, एक परी कथा, एक फेरी टेल। प्लीज एक कॉफी का प्याला ले लीजिए और पालथी मार के बैठ जाइए, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं वो कहानी। एक बार की बात है, एक राजकुमारी थी, एक सांवली सलोनी राजकुमारी। और यही सवाल उसके सामने बचपन में स्कूल फंक्शन से लेकर सिंगिंग क्लास तक, मम्मी की रसोई से लेकर रेडियो की मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी तक हजारों बार गा गा के दुनिया से पूछा गया था। बताइए भाई, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला? प्यारे शाहरुख खान जी, आपने भी सुना होगा ये भजन। करोड़ों लोग रेडियो पर, टीवी पर, फिल्मों में जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उससे उनकी सोच बनती है, बदलती है। अरे मैं आपको क्या बता रहा हूं ये सब। इस देश में कम से कम 3 पीढ़ियों ने आपको अपने दिल में, अपनी सोच में बसाया हुआ है। करोड़ों लड़कों और लड़कियों के दिलो दिमाग पर आप कैसा धुआंधार, कितना गहरा असर डालते हैं। लेकिन आज एक अलग किस्म के असर की बात करने जा रहा हूं। थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूं, आपको एक खत लिख रहा हूं, आपसे एक गुजारिश करने के लिए और ये बताने के लिए कि शायद आप ना जानते हों, आप और आपके बाद आए बहुत से मशहूर एक्टरों से कैमरे के सामने विज्ञापन करवाने वाली, गोरेपन और खूबसूरती का व्यापार करने वाली कई कंपनियां करोड़ों लड़कियों और लड़कों के सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान पर गहरा आघात कर रही हैं। और इनके बनाए बाजार के कारण कई और कंपनियां अब सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के साथ गोरेपन बेचने का धंधा क्रिमिनल, गैर कानूनी ढंग से कर रही हैं। आपके गोरे होने के सपने को सच करने का वक्त आ गया है। सांवले रंग को कह दीजिए अलविदा और पाइए फूलों सी कोमल गोरी त्वचा। ऐसा फेयरनेस ट्रीटमेंट है जो आपको गोरा बनाता है। पिछले 4-5 सालों से एक बड़े अजीब सी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। ऐसी बीमारियां जो बहुत छोटी मोटी मामूली आम बीमारियां स्किन की मानी जाती थी, जैसे आम दाद हो गई, खुजली हो गई या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ये चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही। जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए उसका 2-3 गुना 4 गुना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, फिर भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। और ये सिर्फ इन्फेक्शन्स तक ही सीमित नहीं था, लोग आ रहे थे ऐसे ऐसे भयानक केसेस लेके कि जो हम लोगों ने पहले कभी देखे नहीं थे, जो कि आमतौर पर होने नहीं चाहिए कुछ गोरेपन की क्रीम, सब नहीं लेकिन वो कुछ गोरेपन की क्रीमें वो फ्रॉड होती हैं। उनके अंदर डेंजरस दवाइयां होती हैं जिनका कि एक साइड इफेक्ट होता है कि उनको लगाने पर आपकी स्किन कुछ गोरी दिखेगी, लेकिन वो 5-10 और बीमारियां जो पैदा करेंगी वो डेफिनेटली होंगी। अगर आपने उनको लगाया तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा काली अचानक हो जाएगी, या उसमें इतने सारे मुहासे या दाने निकलने लगेंगे, या धूप में जाने पर इतनी बुरी तरह जलन होने लगेगी कि आपको मजबूरन वापस उसी क्रीम पर जाना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो जानते हैं कि ये क्रीमें उनकी त्वचा को बर्बाद कर रही हैं लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। इट्स लाइक एन एडिक्शन, इट इज एन एडिक्शन, नॉट लाइक एन एडिक्शन, इट्स एक्चुअली एन एडिक्शन। अभी मैं चल पड़ा हूं किसी और सफर पर, किसी और मंजिल की ओर, कोई और कहानी तलाशने, हिंदुस्तान को थोड़ा और समझने। मुझे अपनी और अपने आसपास की कहानियों से जोड़िए, लिख भेजिए मुझे ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे मुद्दों के बारे में
जिन्हें आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे ईमेल करिए, मेरे फेसबुक पे जाइए, ट्विटर को टटोलिए, खत भेजिए, टेलीग्राम भेजिए। मैं कहता हूं कबूतर के पांव में छल्ला लगा के कुछ संदेश भेज दीजिए, लेकिन मुझसे बातें करिए, मुझे किस्से सुनाइए, वरना यही कहते रह जाएंगे कि क्या ढूंढता है स्टोरी टेलर।